बेटियों की सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के दावे के साथ सत्ता में आई थी और सरकार ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी अभियान भी चलाए और महिलाओं के साथ अपराध करने वाले अपराधियों को सजा भी दिलाई। लेकिन मुरादाबाद पुलिस पर आरोप है कि उसने 13 साल की एक नाबालिग बेटी को बरामद नहीं किया, जिसके विरोध में नाबालिग बेटी की माँ अपने परिवार के साथ 14 जुलाई से SSP मुरादाबाद के कार्यालय के आगे धरने पर बैठी है। महिला के पीड़ित परिजनों को धरने पर बैठा देख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित महिला के समर्थन में आई। पूनम पंडित का कहना है कि जो संविधान में जायज है आरोपियों पर वो कार्यवाही व मुकदमा होना चाहिए और बेटी घर आ जाए, हम ये चाहते हैं। और कहा कि SP साहब के यह बात जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और वह कार्यवाही करें, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष DP यादव का कहना है कि हम सब पीड़ित परिवार के साथ है, समाजवादी पार्टी और उसके सभी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार की तफ्तीश संभल भेज दी गई थी, हमने अधिकारियों से यह मांग की है कि इसकी तफ्तीश मुरादाबाद में कराई जाए, लड़की बरामद करके इनको न्याय दिलाया जाए। देखिए, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पूरी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जिले की पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारी जो महिला बहनें हैं वो भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी, हम लोग भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उसकी मदद के लिए आज हमने पुलिस प्रशासन से बात की है, उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि उन्होंने इसकी तफ्तीश संभल भेज दी। हमने उनसे निवेदन किया है अधिकारी से कि तफ्तीश मुरादाबाद जनपद से कराई जाए और इनको शीघ्र लड़की बरामद करके इनको न्याय दिलाया जाए। जहाँ भी इनकी लड़की हो उसको सकुशल वापस लाया जाए। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही विवेचना मुरादाबाद ट्रांसफ़र कराकर और इनको न्याय दिलाया जाएगा, उस लड़की को बरामद करने का काम किया जाएगा। नहीं, समय की हमारी कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी की बात हुई है। ये मामला समय का नहीं, बहुत उलझा हुआ मामला भी है, तो ऐसे बहुत दबाव से भी नहीं किया जा सकता। मतलब हम प्रशासन की मदद करें, उसके परिवार वाले करें, प्रशासन हमारी मदद करे, ये हमारा आश्वासन हुआ है। यो हमारी नाकामी मानो, जो हमने हमारी बहनों ने इन्होंने लड़कियां पैदा करी, हमारी मानोगे और आप किसकी मानोगे? आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं पता किसकी नाकामी है? आपको भी पता, सबको पता किसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है, सभी को पता किसकी है। तो हमारी नाकामी कि हम आने वाले समय में लड़की को जन्म दे रहे, हमारी नाकामी है क्या ये? 20-22 दिन हो गए इन्हें धरने पर, तो एक आध जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं ISPCS जो हैं, जो मुरादाबाद के, अगर आप उनसे उनके जवाब लोगे तो और ज्यादा बेहतर वो जवाब दे पाएंगे कि क्या कारण है। एक माँ एक महीने से धरने पर बैठी है, धरना खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन उनकी बेटी को बरामद करने की क्या बात है, क्या आश्वासन आप दे रहे हो? तो वो ज्यादा दे पाएंगे इसको जवाब, क्योंकि भैया पावर उनके हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ ना। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ बात करने के लिए क्या आश्वासन दिया गया पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा? झूठे आश्वासन देते हैं प्रशासन ने आपसे, क्या बात? देखिए प्रशासन नहीं आया, मेरे सामने तो प्रशासन कंपनी लगी हुई है बढ़िया तरीके से। आप घुमा करके कैमरा देखिए किस लिए लगी हुई है, आप वो दिखाइए मेरे सामने प्रशासन किस मैटर में आया। मुरादाबाद प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। आपने देखा पुलिस को जब कैप दिया जाता है और यहाँ पे शोल्डर्स पे शेर का वो दिया जाता है कि ताकि ये किसी दबाव में ना रहे, लोगों दिया जाता है ना हमारा अशोक चिन्ह जो है, किस लिए दिया जाता है? इसका मायने किसको पता है, किसको पता इसके मायने? जरा दो चार इधर हैं, आप जरा पूछ के देख रहे, किसको पता उसके मायने? ये है कि आपको शेर जितनी ताकत दी जाती है, आप जनता की सेवा करें, आप किसी से ना डरिए, ना सरकार से डरिए, ना किसी बदमाश से डरिए, बस आप जो जनता की सेवा करिए, इसलिए वो दिया जाता है चिन्हित। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कानून बनाए, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस बच्ची को बरामद नहीं कर पा रही है। भैया ऐसा हो सका? थोड़े 8-9 महीने से मैं ज्यादा बिजी हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, एक आदमी थोड़ा बता देंगे तो मुझे भी ज्ञान हो जाएगा। ना मैं 8 महीने मैंने बता दी, 8 महीने से मैं बिजी हूँ, मैंने तो अपनी कमी बता दी। अगर आप बताएंगे महिलाओं के लिए क्या कानून बनाए तो मुझे और बढ़िया लगेगा, तो मैं उन पर थोड़ी सी और नजर डाल लूंगी। सार्वजनिक है फिर अब ये यहाँ क्या हो रहा बताओ ना। अगर सरकार ने, मैं सरकार हूँ, मेरे पास पावर है समर्थन देने को, इनको आइयो, मजबूर है, पीड़ित है, सरकार नहीं है जो पावर में। अब इतने कानून आप बना दो, लिखत में बना दो। मान लीजिए आपने भोजन खाया और आपको भोजन मिला, दोनों बातों में फर्क है। खाया तो ये आपको मिल गया, मिला सस्पेंस में हो गई ना बात। अब कानून कितने भी बना दो, जब तक उस चीज पे अमल नहीं होगा। एक महीने से धरने पर बैठी, क्या अमल हुआ कानून बनाने का बताओ? बैठी है ना एक औरत, मैं तो बहुत दूर से 200-250 किलोमीटर से चल के आई हूँ, आप लोकल के हैं, आप ज़्यादा बेहतर जान रहे हो कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था क्या, प्रशासन व्यवस्था क्या, सरकार के लोग हैं, ये BJP से हैं भाई,
इन्होंने बताया इनके पति जो है बीजेपी से, अब एक भी व्यक्ति इनको दिख नहीं रहे होंगे बीजेपी के, लेकिन मैं पार्टीवाद पर बात नहीं करूंगी, हम सब आपके साथ है। बीजेपी का कुत्ता भी आया था, उसका भी हम स्वागत करते हैं। देखिए अगर बीजेपी, रुक जाइए भैया, देखिए अगर बीजेपी वालों के साथ दिक्कत ऐसी होगी, बेटी का मामला, भाई मैं भी बेटी हूँ देश की, ऐसी बात नहीं है, तो मैं साथ हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी से आप मुझे अभी ना जोड़े, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एक माँ का सहयोग करने आई हूँ, उसकी आवाज़ उठाने आई हूँ, आवाज़ बुलंदशहर तक पहुँची, मैं चाहती हूँ एसएसपी साहब को थोड़ी सी समझ में आवे, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हाँ जी, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ठीक, बस ये इनकी बेटी मिल जाए, घर चले जाए, हमें भी बढ़िया नहीं लग रहा, हमारी भी माँ वेट कर रही है हमारा, ऐसी बात ना। देखिए बेहतर होगा कि हम इस मुद्दे पर बात करें, जिस दुख में दर्द में आए हुए हैं, जिस उसमें आए हुए हैं, लेकिन मैं तो हमेशा से आपको बोला, बहुत सी मेरी वीडियो भी ऐसी हैं जिस इस मुद्दे पर बात हुई है, जो महिलाओं की बात करेगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, जो युवाओं को बेरोजगार देवेगा, जो किसानों के सम्मान की बात करेगा, जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा, मैं उनको अपना पूरा सहयोग दूंगी।